फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं चंदन कुमार प्रिपेयर क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख 25 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 25 जून 1900 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन का जन्म हुआ था। खास बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। याद रखेंगे, भारत के अंतिम वायसराय थे। और खास बात यह भी है कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन की नौसेना के प्रमुख भी रहे हैं और वहां के प्रसिद्ध राजनेता रहे। हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो याद रखें लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा दूसरा टॉपिक है सुचेता कृपलानी। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 25 जून 1908 ईस्वी को सुचेता कृपलानी का हरियाणा के अंबाला में जन्म हुआ था। खास बात है कि सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम बनी। याद रखें, भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, तो सुचेता कृपलानी किस राज्य की बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य की ये महिला सीएम बनी थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी सीएम थी। याद रखेंगे, सुचेता कृपलानी भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखे साथियों, आज ही की तारीख 25 जून 1931 को विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्राइम मिनिस्टर बने थे, 8वें प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे खास बात है कि वर्ष 1990 में इन्हीं के कार्यकाल में ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को सरकारी नौकरियों शिक्षण संस्थानों में 27% का प्रसिद्ध आरक्षण बिल जो है वो पास हुआ था, और तो उसके बाद हुए चुनाव में वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय क्रिकेट। याद रखेंगे, आज ही वो तारीख है 25 जून 1932 को भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया, फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया। यह टेस्ट मैच कहां खेला गया, लॉर्ड्स के प्लेग्राउंड में। याद रखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 को लॉर्ड्स के प्रसिद्ध क्रिकेट ग्राउंड में खेला था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती का निधन 25 जून 1950 को हुआ था। खास बात है कि ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। और सबसे खास बात है कि भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। याद रखेंगे, इन्हें क्या माना जाता है, भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। किसे, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मेडागास्कर। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 25 जून 1960 को मेडागास्कर फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। फ्रांस से क्या हुआ था भाइयों, स्वतंत्र हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल। ध्यान है साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हम नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, आज ही की वो तारीख थी 25 जून 1975 के मध्य रात्रि को। याद रखेंगे, 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। याद रखेंगे, उस समय की भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी पे आरोप था कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश को आपातकाल में झोंका था। देश में आंतरिक अशांति के आधार पर इस राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया गया और इस आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। और भी खास बात है कि इस राष्ट्रीय आपातकाल में यह 21 महीनों तक चला। देश के बड़े राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और इसे भारत के लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया को सबसे पूरी तरह से हिला करके इस आपातकाल में रख दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोविजन है
और 1975 के आपातकाल के बाद देश में फिर कभी आपातकाल नहीं लगाया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व कप भारत। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 25 जून 1983 यह वह तारीख वह दिन है जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम अपनी असीम ऊंचाइयों को पहुंचा। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज जो अजेय मानी जा रही टीम थी उसको हराया फाइनल में और भारतीय टीम 43 रनों से विजय रही। सबसे खास बात है कि यह क्रिकेट विश्व कप का तीसरा विश्व कप था जिसे प्रूडेंशियल विश्व कप के नाम से जाना जाता है और भारत को क्रिकेट को आगे बढ़ाने में 1983 का यह विश्व कप काफी खास था और इस विश्व कप की जो कप्तानी भारत में कपिल देव ने की थी जो एक भारत के महान ऑलराउंडर है। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख एक खास बात और है कि आज ही की तारीख 25 जून 2009 को दुनिया के प्रसिद्ध पॉप गायक माइकल जैक्सन, याद रखें माइकल जैक्सन का निधन हुआ था। माइकल जैक्सन का क्या हुआ था साथियों, निधन हुआ था। इनका संबंध यूएसए से है पर तो पूरी दुनिया में पॉप गायकी में इनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है और खास बात है कि इन्होंने 13 ग्रैमी अवार्ड भी जीता है जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया है। चलते हैं आज के पहले करेंट अफेयर्स की ओर। आज का पहला करेंट अफेयर्स है मिशन जीरो। ध्यान है साथियों, मिशन जीरो एक अभियान है जिसे मुंबई शहर के लिए प्रारंभ किया गया है। खास बात यह है कि कोविड 19 के प्रसार को उसके संक्रमण को एकदम पूरी तरह से रोकने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन जीरो स्टार्ट किया। याद रखेंगे किसके लिए, तो कोविड 19 के प्रसार या कहें संक्रमण को पूरी तरह से जीरो करने के लिए मिशन जीरो शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र भारत का एक पश्चिमी राज्य है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम उद्धव ठाकरे हैं, जबकि यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और भारत में सबसे ज्यादा अगर कोविड-19 का सबसे ज्यादा कहीं मामला आया है तो मुंबई शहर में ही है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंदिरा रसोई योजना। ध्यान रखिए साथियों, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत राजस्थान की राज्य सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने, तो राजस्थान राज्य सरकार ने। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो लोग राजस्थान में गरीब लोग रहते हैं उनको भूखा ना सोना पड़े इसके लिए राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत के किसी भी गरीब व्यक्ति को 2 टाइम का भोजन रियायती दर पर, सस्ते दर पर उपलब्ध कराना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। याद रखेंगे राजस्थान राज्य भी भारत का एक पश्चिमी राज्य है। राजस्थान के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम अशोक गहलोत है। याद रखेंगे राजस्थान राज्य सरकार अभी हाल ही में कोविड-19 के मैनेजमेंट में सबसे नंबर एक स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोविड के मरीजों की रोकथाम अच्छी तरह से की गई। यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो नेशनल जो पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर है उससे काफी कम है। याद रखें राजस्थान इन कारणों से भी सुर्खियों में रहा कि क्या कोविड-19 के मैनेजमेंट में नंबर एक भारत का कोई राज्य रहा तो राजस्थान। और इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वसीम जाफर। याद रखेंगे वसीम जाफर एक क्रिकेटर रहे हैं। क्या रहे भाइयों, क्रिकेटर रहे हैं। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने भारत के लिए वनडे और टेस्ट दोनों ही खेला है। और तो खास बात क्या है कि वसीम जाफर को उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत में जो क्रिकेट को गवर्निंग बॉडी है उसका नाम BCCI है। भारत में जितने भी क्रिकेट के आयोजन होते हैं वो BCCI के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। और क्या है कि वसीम जाफर उत्तराखंड राज्य क्रिकेट के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है गीता पासी। याद है गीता पासी का संबंध भारतीय मूल की अमेरिकी है। खास बात है कि यूएसए की सरकार ने
यूएसए की सरकार ने गीता पासी को इथियोपिया देश का इथियोपिया देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है, याद रखिए गीता पासी कौन है, तो गीता पासी अमेरिका देश की ओर से इथियोपिया में नई राजदूत नियुक्त किया गया है। इथियोपिया एक अफ्रीकी देश है, इथियोपिया कैसा देश है भाई, एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है, और खास बात है कि इथियोपिया की जो राजधानी है उसका नाम है अदीस अबाबा। क्या नाम है भाइयों? अदीस अबाबा। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है बिर। याद रखेंगे बिर, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बिर कहाँ की मुद्रा का नाम है, तो इथियोपिया। याद रखेंगे हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बुखार क्लिनिक। याद रखेंगे बुखार क्लिनिक की शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। याद रखेंगे इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने घोषणा किया है कि राज्य के जितने भी राज्य सरकार से संचालित हॉस्पिटल होंगे उन सभी हॉस्पिटल में बुखार के पेशेंट के लिए अलग से सुविधा दी जाएगी और उनका अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो याद रखें बुखार के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। आपको याद होगा अभी पिछले क्लास में हमने बताया था कि अभी भारत में पहला ऐसा राज्य कर्नाटक ही था जिसने 18 जून को मास्क दिवस, याद रखेंगे मास्क दिवस के रूप में मनाया था। किसके लिए? कोविड-19 के प्रसार को रोकथाम के लिए, याद रखेंगे, ताकि कोविड-19 का संक्रमण और न फैले। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ई ब्लड सर्विस। याद रखेंगे यह एक योजना है, याद रखेंगे ई ब्लड सर्विस एक योजना है, और यह किसकी योजना है? तो दुनिया की संस्था जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। किसकी? रेड क्रॉस सोसाइटी। खास बात है कि इस ई ब्लड सर्विस के माध्यम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया? मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसे किसने लॉन्च किया है भारत में? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो भारत के क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। क्या है भाइयों? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। खास बात है कि इस ई ब्लड सर्विस के अंतर्गत रेड क्रॉस सोसाइटी ने पूरी दुनिया में एक तरह से व्यवस्था दी है कि कोई भी जिन्हें ब्लड की आवश्यकता होगी वो 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकता है। तो यह ई ब्लड सर्विस एक मोबाइल ऐप है, और इसे किसने शुरू किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे भारत में स्टार्ट किया है। यह योजना किसकी है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के। और इसके अंतर्गत कितना यूनिट ब्लड के आप मांग कर सकते हैं? तो 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कुशीनगर एयरपोर्ट। याद रखें साथियों कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। याद रखें दर्जा दिया गया है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जामों के लिए। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का एक शहर भी है, कुशीनगर एक जिला भी है, और खास बात है कि जो कुशीनगर है एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि इस शहर का संबंध गौतम बुद्ध से है। याद रखेंगे किससे है? गौतम बुद्ध से। ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत खास स्थान है। ये डिमांड लंबे समय से था कि कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिले ताकि दुनिया के अलग अलग देशों से जो हवाई सेवाएं हैं वो डायरेक्ट होती है। याद रखें कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और याद रखेंगे यह बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में ही हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पूर्णिमा जनेन। याद रखेंगे पूर्णिमा जनेन एक निशानेबाज थी। याद रखेंगे भाई क्या थी? निशानेबाज थी। निशानेबाज मतलब एयर राइफल से संबंधित। याद रखेंगे इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या हो गया भाइयों? निधन हो गया है। निधन का जो कारण था वो क्या था? कैंसर के कारण इनका निधन हुआ है। और ये याद रखेंगे इन्होंने ये भारत की कोच भी रह चुकी हैं और इनका एयर राइफल में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। अगला करंट अफेयर्स है जस्टिस अनंत मनोहर बदर। याद रखेंगे जस्टिस अनंत मनोहर बदर की नियुक्ति केरल हाईकोर्ट में की गई है। किस हाईकोर्ट में की गई है? केरल हाईकोर्ट में की गई। ये केरल हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने।
केरल हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है एस मणिकुमार। इस समय केरल हाई कोर्ट के, याद रखेंगे, केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो याद रखेंगे तो जस्टिस अनंत मनोहर बदर की जो नियुक्ति है वो केरल हाई कोर्ट में एज ए जज अपॉइंटमेंट इनका है, जबकि केरल हाई कोर्ट के जो मुख्य जज है उनका नाम एस मणिकुमार है। केरल भारत का दक्षिणी राज्य है, केरल की जो राजधानी है उसका नाम तिरुवनंतपुरम है, और केरल के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है देविका और पुनेजा ब्रिज। याद रखेंगे देविका और पुनेजा ब्रिज को भारत की एक संस्था है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की स्थापना साथियों 1960 में प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। याद है देविका और पुनेजा ब्रिज को BRO ने बनाया है, और यह जो ब्रिज है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में बना है। याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो देविका जो ब्रिज है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है। किस डिस्ट्रिक्ट में बना है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जो पुनेजा ब्रिज है वो जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में बना है, ठीक है, डोडा जिले में बनाया गया है। और वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर जो है क्या है, भारत का एक यूटी है, केंद्र शासित राज्य है, जो पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मूडीज। याद रखेंगे मूडीज एक क्या है भाइयों, रेटिंग एजेंसी है। क्या है? रेटिंग एजेंसी है, और वो भी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया भर के व्यापार और उनकी स्थितियों का क्या करता है, आकलन करता है। इसने जो मूडीज ने भी हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में जो भारत की जो GDP है वो 3.1% की दर से घटने का अनुमान है। भारत की GDP कितने घटने का अनुमान है? 3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया है। याद रखें GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। याद रखें कि मूडीज जो कंपनी है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी भाइयों? इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, न्यूयॉर्क USA है। याद रखेंगे दुनिया के प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों में माना जाता है, और इसके जो संस्थापक रहे हैं उनका नाम जो है वो क्या है, जॉन मूडी है। इसे जरूर नोट कर लेंगे। वर्तमान चूंकि भारत में COVID-19 के वजह से पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियां लगभग 2 महीने तक ठप हुई थी, और इसके वजह से भारत का जो उसका मुख्य जो असर है वो आने वाले वित्त वर्ष में देखने को मिलेगा, उसी का अनुमान मूडीज ने लगाया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। याद रखें कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का जो है उद्घाटन याद रखेंगे तमिलनाडु के जो सीएम है पलानी स्वामी। क्या है भाई? पलानी स्वामी ने किया है। पलानी स्वामी ने तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नामक्कल। याद रखें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नामक्कल में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सीएम पलानी स्वामी ने। और जो तमिलनाडु का वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारीलाल पुरोहित, और तमिलनाडु भी भारत का है एक दक्षिणी राज्य है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है लैपटॉप योजना। याद रखेंगे साथियों लैपटॉप योजना केरल की राज्य सरकार ने चलाया है। किस राज्य सरकार ने भाइयों चलाया है? केरल राज्य सरकार ने चलाया है। केरल की राज्य सरकार ने अपने यहाँ के जितने भी गरीब छात्र हैं उनके लिए की योजना चलाई है, जिसके तहत जो लैपटॉप है वो 15,000 रुपए में दिया जाएगा। खास बात है कि जो 15,000 रुपए होंगे उसको 30 किस्तों में देना होगा। 30 किस्तों में 500-500 रुपए की किस्त पर इसे दिया जाएगा। तो याद रखेंगे लैपटॉप योजना। अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार भारत का पहला ऐसा राज्य सरकार बन गया जिसने बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL कार्ड वाले लोग हैं उनको फ्री इंटरनेट सुविधा भी दी है, क्योंकि आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है और बिना इसके किसी भी तरह का कामकाज नहीं हो सकता है। तो अपने राज्य के गरीब से गरीब लोगों तक नेट की सुविधा पहुंचाना, लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल कराना ही केरल राज्य का अपना इस समय मुख्य लक्ष्य बना हुआ था। याद रखें लैपटॉप योजना। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मैक्सिको। याद रखें मैक्सिको एक
कोई किस तरह का देश है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। और मैक्सिको जो है यूएसए का पड़ोसी देश है, यूएसए का क्या है, पड़ोसी देश है। खास बात है कि 23 जून को, कब 23 जून को, यहाँ पर रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता का क्या आया भाइयों, तो भूकंप आया। याद रखेंगे भूकंप से जान माल की भी क्षति हुई है। और खास बात है कि वहां की मौसम एजेंसी ने एक सूचना दी है कि भाई भूकंप के बाद जबरदस्त सुनामी की भी संभावना है। याद रखेंगे मैक्सिको में कितने रिक्टर पैमाने में तीव्रता का भूकंप आया, तो 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। मैक्सिको एक उत्तरी अमेरिकी देश है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको जो है यूएसए का पड़ोसी देश भी है। हमारा अगला टॉपिक है डे ऑफ द सिफर। याद रखना डे ऑफ द सिफर जो है वो प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाइयों, तो 25 जून को मनाया जाता है। इसको अंतरराष्ट्रीय मल्लाह दिवस भी कह सकते हैं। याद रखेंगे इस दिवस के मुख्य जो उद्देश्य होता है, जो दुनिया भर में जो समुद्र के माध्यम से या नदियों के माध्यम से जो नाविक जो होते हैं लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, माल की सप्लाई आदान प्रदान में सहयोग करते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए डे ऑफ द सिफर जो है आईएमओ के द्वारा मनाया जाता है। याद रखें इसे प्रत्येक 25 जून को ही मनाया जाता है। इस बार जो है ये 10वीं, इसकी क्या थी, 10वीं वर्षगांठ थी। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।